मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। हम जिस इमारत के पास, जिस धरोहर के पास मौजूद हैं, इसे बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता है, जो कि लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर है। इसे 1784 में बनवाया गया था। इसे लखनऊ की भूल भुलैया भी कहा जाता है। काशी फुद्दौला जी ने इसे बनवाया था और ये लखनऊ के आन बान शान है। नवाबों का शहर इसे कहा जाता है। हम अंदर चलते हैं और अंदर की जानकारी मैं देखने वाला हूं कि किस तरह से अंदर नजर आता है। और ये बड़ा इमाम बाड़ा है जो इस तरह से नजर आता है। इसको भूल भाषी बुद्धूला जी ने इसे बनवाया था। इमाम बाड़ा, यहाँ से हम अंदर की ओर जाएंगे और माउथ बावली गाइडलाइन गेट बोर्ड है ये, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसी में हम अंदर जाके वो सारी जानकारी लेंगे। ये बावली है, इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये पूरा बड़ा इमाम बाड़े में स्थित है। इस तरह की एक भूल भुलैया जैसा नजर आता है। आगे लिखा हुआ था बावली और यहाँ पर देखिए अंधेरे ही अंधेरा और इस तरह की इमारत है बावली। ये भूल भुलैया ही है और अंदर तक तो मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से वहां भी लोग सामने घूम रहे हैं और ये ऐसा नजर आता है। ये जो आप कुआं देख रहे हैं, बताया जाता है जब इस इमारत का काम शुरू हुआ था तब इसके पानी से इस इमारत का काम शुरू किया गया था। और इमारत की अगर लंबाई की बात की जाए तो यहाँ 1, 2 और 3 मंजिला ये ऊंचा है और इस तरह से पूरा नजारा दिखाई देता है। एक भूल भुलैया जैसा नजर आता है। नीचे भी देखिए और ये गहराई तक जाता है नीचे। यहाँ आगे बंद किया गया है। ये बड़ा इमाम बाड़े में ही स्थित है, जो शायद बावली इस तरह से एक नाम है उसका दिया गया है। और एक पूरा सर्कल ये बना हुआ है, ये कुआ जो आज खाली है। और देखिए किस तरह से ये बनाया गया, डिजाइन तैयार किया गया है। छोटे छोटे पंखड़ी फूल ये सब उसी समय का बना हुआ है। इस तरह से ये धरोहर जो कि लखनऊ की आन बान शान है, कई दरवाजे यहाँ मौजूद हैं। अब दरिया को गेट अभी आधा दिख रहा है।
दिख रहा है अभी इसी का हम आपको आलो तो अभी आपको दिखाएंगे आप देख लिया करें। हाँ अभी यही काम आपको पानी के अंदर दिखाएंगे। 250 बरस पुराना सीसी कैमरा, क्योंकि उस टाइम पे कैमरा आता नहीं। आने वाले जिन्हें ने कैमरे का इस्तेमाल किस दिन बनाया वो हम आपको बताएंगे। आइए देखिए, बहुत अच्छी जानकारी ये है कि यहाँ से पहले के समय में सीसीटीवी कैमरा तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन पानी के जरिए हमें वहां तक का बाहर तक का चीज नजर आता है। और इसी जगह से लोगों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये अद्भुत उस समय जो विज्ञान था, जो दिमाग था, वो इस्तेमाल किया गया। और ऊपर जो शख्स है वो यहाँ दिखाई दे रहा है आप सामने लोग। और हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से भी कुछ नजारे देखने को मिले। और जैसे कि गाइड जो भैया हैं वो बता रहे हैं, सबको गाइड कर रहे हैं कि भूल भैया में इससे भी कम रास्ते हैं जहां हम जाने वाले हैं। ये तो काफी बड़ा साइज में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम आ सकते हैं जा सकते हैं, लेकिन भूल भैया में इससे भी कम जगह है। हम वहां जाएंगे और देखेंगे किस तरह का वो नजारा है। लेकिन ये भी एक अद्भुत इमारत है। और जैसे कि एक सीसी टीवी कैमरे का एक इस्तेमाल जिस तरह से पहले के लोग करते थे, पानी में परछाई देखकर अपने दुश्मनों का अंदाजा लगा लेते थे, अपने जो खास मित्र या उनके मिलने वाले लोग हैं उनको पहचान लेते थे। ये मुख्य दरवाजा जो हम देख रहे हैं, आपको जानकारी बताऊं, जब इस इमारत का निर्माण किया जा रहा था तो इस कुएं की गहराई बहुत अधिक थी, लेकिन अब 60 फीट रह गया है। क्योंकि जब इस इमारत का द्वारा से काम शुरू हुआ और इसका मलबा जो था वो सारा इस कुएं में डाल दिया गया, जो कि बंद हो चुका है और अब 60 फीट की गहराई रह चुकी है। ये जानकारी जो आप मुझे मिली वो आपको दे पा रहा हूँ। और ये पूरा एक सर्कल में है और 3 मंजिला मुझे दिखाई दिया, लेकिन हो सकता है कि और भी गहराई में हो। जगह जगह वो मार्ग बने हुए हैं जाने के रास्ते। भूल भुलैया का एक छोटा सा रूप जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने इस इमाम बाड़े को बनवाया था। बड़ा इमाम बाड़ा जिसे आज भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अंदर की ओर, जानते हैं इसमें क्या क्या है खास। चलिए ये इमाम बाड़े का ऊपर छत का नजारा, फिर हम नीचे का दृश्य देखेंगे। इस तरह से ये छत का जो नजारा है, रात का जो नजारा यहाँ देखने लायक होता है, क्योंकि चारों ओर लाइटिंग लगी हुई है। और ये देख रहे हैं इतना बड़ा प्रांगण जो कि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ से, और ये रूमी दरवाजा है, और इसी के आसपास इमाम बाड़ा जिसमें भूल भुलैया बाउली जो कि हमने अभी देखा, और ऐतिहासिक धरोहर है ये लखनऊ की। और लखनऊ एक पहले के समय में इसे लक्ष्मणपुर कहा जाता था, और धीरे धीरे वक्त बदला, शासन बदले, राजा बदले, तो उसके बाद इसका नाम लखनऊ रख दिया गया। ये इस तरह का नजारा है
जो आप देख रहे हैं। इस तरह का आप देख रहे हैं, कितना प्यारा दृश्य है और अद्भुत ये नजारे हैं। और ये सेकंड, ये फर्स्ट मंजिल है और सेकंड जो देख सकते हैं हम ऊपर से यहाँ नीचे आए हैं। ये पूरा प्रांगण आपको मैं दिखा रहा हूँ लगातार। यहाँ से और पूरा एक लंबाई में ये साइज दिया गया है, इस तरह से दृश्य है जो दिखाई देता है बड़ा इमाम बाड़ा जो कि आज भूल भुलैया भी इसे कहा जाता है। अपने अंदर कई इतिहास ये इमारत समेटे हुए है। कोशिश करेंगे कि नीचे जा सके और प्यारा दृश्य आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत अंदाज में इसको पहले बनाया गया। आप हर जगह देख सकते हैं इस तरह से खिड़कियां नजर आती हैं। हो सकता है कि इन खिड़कियों का इस्तेमाल पहले राजा लोग, जब यहाँ उनकी सभा लगती होगी तो यहाँ पटरानी या सैनिक यहाँ खड़े होकर वो दृश्य यहाँ से देखा करते हैं, जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते हैं। अद्भुत बनाया गया। ये इतिहास की बात करें तो राजा महाराजा जो डिजाइन देते थे, एक जो कारीगरी करते थे, वो अद्भुत हुआ करते थे। ये पूरा एक चूना पत्थर से बनाया गया है और अलग अलग मिश्रणों से तैयार करके इस तरह का डिजाइन दिया जाता था। और पहली जो इमारत थी आज भी वो बहुत खूबसूरत नजर आती है। और आज की अगर इमारतों की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं हमें खंडित या नजर आती हैं, कुछ ना कुछ कारण से वो टूट फूट जाती हैं। लेकिन तारीफ के काबिल जो पुरानी इमारत हुआ करती है वो देखने लायक बनती है और आज दूर दूर से देखने के लिए लोग आते हैं। ये भूल भुलैया जो कि छोटी छोटी गलियां यहां मौजूद हैं, कई सीढ़ियां, कई खिड़की, कई नजारे यहां दिखाई देते हैं। इस तरह का जो सामने का दृश्य आप देख सकते हैं, हर खिड़की जो एक एक दरवाजा है, सीढ़ियां हैं, वो नजर आती हैं। नीचे की ओर देखते हैं तो वो पुराना दृश्य याद आता है, जब यहाँ सभा लगती होगी या राजा महाराजा रहा करते होंगे। आज भूल भुलैया नाम दिया गया है लेकिन बड़ा इमाम बाड़ा वो सोच समझ कर एक जो नाम रखा गया है। चलते हैं नीचे की ओर। खूबसूरत नजारे जो मैंने अपनी आंखों में कैद किए और आपको वीडियो के माध्यम से, ये ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। हम नीचे के लिए बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि उस हॉल तक हम जा सकें। सीढ़ी दर सीढ़ी हम उतरते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और अंधेरा भी यहाँ मौजूद है। देख सकते हैं कि कितना पुराना हो चुका है, ये खंडित अवस्था में है और हमें यहीं से पार करते हुए अंदर की ओर जाना है। तो नीचे वो मंजिल तक मुझे पहुंचना है यहाँ, और यहाँ रास्ता बंद है देख सकते हैं, और यहीं से हमें वापस होना पड़ेगा। इस अवस्था में ये मौजूद है, मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द ठीक हो। और यहाँ से भी रास्ता हम देख रहे हैं, ये बंद अवस्था में है। जैसे नाम वैसा काम, भूल भुलैया। थोड़ा सा मैं भटका हूं लेकिन हम जाएंगे ऊपर की ओर।
देख ही सकते हैं। उधर नहीं जाएंगे, ये नीचे का रास्ता है ना, नीचे चलते बंद है क्या? ये देखिए खूपिया एक भूल भुलैया, और हम लोग भी ढूंढ रहे हैं कि ये रास्ता कहाँ है, और नीचे का रास्ता भी नहीं है, काफी अंधेरा है, और सेफ्टी का हमें ध्यान रखना होगा। ऊपर नीचे सीढ़ियां भी हैं इधर, ये ऊपर के लिए मार्ग दिख तो रहा है लेकिन नीचे नहीं दिखाई दे रहा। नीचे का रास्ता मैं तलाश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं। सच में अभी अनुभव हुआ कि ये भूल भुलैया है। यहाँ का नजारा तो मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे नीचे जाने की सीढ़ियां नहीं मिल रही। यहाँ मैं ऊपर मौजूद था और देख सकते हैं कि बड़ा इमाम बाड़ा बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा इमाम है लेकिन बड़ा खूबसूरत है। ये बड़ा ही शिद्दत के साथ इसको बनाया गया है, जैसे कि देखिए वो आप मंच देख रहे हैं वहाँ सामने, वहाँ राजा महाराजा बैठा करते होंगे, और यहाँ सैनिक या पटरा में यहाँ खड़े होकर वो दृश्य देखा करते होंगे। खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने दिखाई देते हैं। दोनों ओर इस तरह के गुम्बद दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने राइट में देखा और फिर लेफ्ट में देख रहे हैं। दोनों ओर इस तरह की इमारत है, और डिजाइनिंग की बात की जाए तो अद्भुत है। और इस यहाँ जो चैन दिखाई दे रही है, यहाँ पर झूमर या लाइटिंग पहले के समय में लटके होंगे जो दिखाई देते हैं, इस तरह से झूमर इत्यादि कुछ भी हो सकता है। मुस्कुराइए, हम लखनऊ में हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना रूमी दरवाजा या घंटाघर या और भी चीज जो वीडियो के माध्यम से आपने देखा। जानकारी ज्यादा नहीं दे पाया लेकिन आपने इमारत जो देखी जो अद्भुत है, लखनऊ के इतिहास में अनेकों अनेक पुरानी इमारत है लेकिन इनके बारे में भी जो जानकारी हमने देखी है, जो वीडियो के माध्यम से हमने देखा है, ये बिल्कुल एक नया अनुभव मेरी जिंदगी में रहा है कि एक ही जगह इतना सब कुछ मौजूद है। इमामबाड़े की बात की जाए तो एक बड़े हेक्टर में ये फैला हुआ है और भूल भुलैया के नाम से इसे जाना जाता है। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में। इमामबाड़े की बात की जाए तो बड़े ही हेक्टर में फैला हुआ है, आज भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। और मैं भूल भुलैया के अंदर भी गया तो जैसा नाम वैसा काम है। फर्स्ट टाइम मैं किसी भूल भुलैया में गया, और वास्तव में देखा जाए तो मैं ही नहीं, और भी काफी लोग जो भाई लोग थे या और भी जो लोग आए वो भी भटक चुके थे, लेकिन कैसे भी करके वहां निकल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए डर लगता है लेकिन बहुत भीड़ रहती है तो ऐसा डर नहीं रहता, क्योंकि मालूम है कि वो धीरे से हमें वो जो रास्ता है वो हमें मिल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा जानकारी तो नहीं दे पाया हूं लेकिन जगह आप कभी भी आए तो
यहाँ लखनऊ आकर इन चीजों को देख सकते हैं। आगे भी मैं और भी चीज आपको दिखाने वाला हूँ और ये वीडियो मैं पार्ट वन और पार्ट टू के रूप में डालने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं रूमी दरवाजा और उसके आसपास का दिखाऊंगा, फिर उसका इमाम बाड़े के बारे में बताऊंगा, फिर आगे हम और भी जगह जाने वाले हैं, वो भी आप देखने वाले हैं। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुस्कुराइए, क्योंकि हम सब वीडियो के माध्यम से लखनऊ में हैं।